हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज हम कक्षा 6 में इकाई 1 दयालु शिकारी के बारे में अभ्यास करेंगे। उसके साथ साथ भी और सारी 3 कहानियां के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कहानी का इसमें पात्र क्या है और कहानी का कोई सार क्या है, इसके बारे में आप अभ्यास करेंगे। सबसे पहले देखते चित्र के द्वारा कहानी। यहाँ एक चित्र दिया गया हुआ है, चित्र के द्वारा कहानी। चित्र के द्वारा जो कहानी है, कहानी एक के बाद एक आगे बढ़ती जाती है, उसमें विद्यार्थी को समझ में आ जाए। दूसरा है प्राणियों के द्वारा सीख लेना। अब यहाँ पात्र है क्या? प्राणी है। पात्र है प्राणी, तो प्राणी जो भी कहते हैं उसके द्वारा हमें सीख मिलती है। और प्राणियों के पंचतंत्र की आपने कहानी तो सुनी होगी, कल्पतंत्र की कहानियाँ, तो उसमें हम भी इस कहानी का हिस्सा बनते हैं। और इस कहानी के हिस्से देखते हैं तो हमें प्राणियों के द्वारा अनेक अच्छी अच्छी सीखें हमें मिलती है। तो यहाँ पात्र है प्राणी। तो चित्र का पाठ का हेतु, चित्र पाठ का हेतु क्या है? चित्र पाठ का हेतु है कि हमें इस कहानी में क्या सीखा है और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है मनुष्य का प्राणी के प्रति व्यवहार। मनुष्य का जो प्राणी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या निर्दय होना चाहिए क्या दयालु होना चाहिए? हमें हमेशा प्राणियों के प्रति हमेशा दयालु जैसा व्यवहार करना चाहिए और हृदय पूर्वक उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं, वो भी हमारे साथ खुल मिल जाते हैं। उसी तरह हमें भी एक अच्छा आदमी और अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। देखते हैं पहले हम चित्र के द्वारा कहानी देखते हैं, फिर प्राणी के द्वारा सीख देते हैं। चित्रपाठ का जो हेतु है वो हेतु है कि हमें क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं हेतु, इसीलिए हम चित्रपाठ का वो हेतु देते हैं। मनुष्य का प्राणी के प्रति व्यवहार, मनुष्य का जो प्राणी के प्रति जो व्यवहार करता है वो कैसा होना चाहिए, इसी तरह यहाँ ये सीख देती है दयालु शिकारी पाठ के द्वारा। शिकारी है, शिकारी कभी दयालु होते नहीं होते, निर्दय होते, पर ये शिकारी है दयालु शिकारी। तो हम इस गद्य पाठ में दयालु शिकारी के बारे में अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दयालु शिकारी। दयालु शिकारी है तो दयालु शिकारी एक घना जंगल था। उस जंगल में एक हिरणी रहती थी और कई सारे प्राणी पक्षियों भी रहते थे। और फिर एक दिन एक शिकारी वहाँ आया, हिरणी का मांस खाने को उसकी इच्छा हुई थी। पहले एक दिन वो शिकारी वहाँ आया और वो शिकारी जब आया तब उसने हिरणी को देखा। जब हिरणी को देखा तब उसने वो पेड़ के पीछे छिप गया, फिर वो उसने बंदूक की निशानी ताकने लगा। बंदूक की निशानी ताकी तब हिरणी खेलते खेलते आगे बढ़ी, तब वो बंदूक की निशानी की गोली के ताक में आ गई और बंदूक की गोली छूटी तब उसे पैर में लग गई। फिर शिकारी वहाँ गया, पर उससे पहले कि हिरणी की बंदूक लगी उनकी टांग में, तब कई सारे हिरण थे इधर उधर भागने लगे और जो जिसको हिरणी को गोली लगी वो नीचे बैठ गई और सावक उसने एक सावक को बच्चे को जन्म दिया था, फिर वो भी नीचे बैठ गया और फिर वह शिकारी उसके पास चला गया। जब उसके पास वो चला गया तब वो शिकारी उनको दया आ गई, बेचारे सावक को जन्म दिया हुआ है और उसके तो कोई है ही नहीं, उसकी माँ तो मर जाएगी तो उसको इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगी। शिकारी को दया आ गई। शिकारी को जब दया आ गई तब वो जंगल की कुछ दूरी पर वो पशुओं का अस्पताल था वहाँ ले गई और वहाँ उसका इलाज कराया। मलम पट्टी लगाकर शिकारी तो बहुत खुश हो गया और वो अच्छी तरह से उसे जंगल में छोड़ा उसके और उसके बच्चे सावक को। सावक का अर्थ क्या होता है? सावक यानी कि बच्चा, हिरणी का पशु का बच्चा। सावक को हम बच्चा कहते हैं, हिरणी का बच्चा। तो उसी तरह वो जंगल में फिर इलाज करवा के मलम लगा के वो जंगल में छोड़ दिया और जंगल में छोड़कर वो शिकारी भी वहाँ चला गया। ये थी एक कहानी। शिकारी ने हिरणी को कैसे बचाया? तो शिकारी हिरणी को इस तरह बचाया कि शिकारी जब गोली लगी हुई थी उसके बच्चे को जन्म दिया हुआ था
पर उसको उससे दया आ गई, इसलिए वो बसु के अस्पताल ले गया और फिर वो वहाँ मल्लव पट्टी लगाकर और फिर जंगल में छोड़ दिया। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी है बातूनी कछुआ। तो बातूनी कछुआ यानी कि बोलने वाला कछुआ। बातूनी कछुआ एक बड़ा सरोवर था। उस सरोवर के किनारे दो हंस रहते थे और कछुआ भी रहते थे। और एक गर्मी के मौसम में तालाब सूख गया था, इसलिए कई सारे पशु पक्षी वहाँ से चले गए। और दो हंस भी वो आपस में बातें कर रहे थे कि हमें भी इस स्थल को छोड़ देना चाहिए और हमें भी इस स्थल को छोड़ देकर हमें दूसरे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ जल हो, पानी हो। इसलिए वो बात सभी बात कछुए ने सुन ली तो वो कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तो इसीलिए उसने कछुए हंस ने कहा कि आप कैसे आ सकते हैं, आप तो उड़ भी नहीं सकते हमारे साथ। तब कछुए ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक लकड़ी लाता हूँ, उस लकड़ी में मैं बीच में लटक जाता हूँ और आप दोनों अपनी जो सिरा है वो पकड़ लें जिससे मैं बीच में टिक लटक जाऊँगा और फिर वो आगे उठता हुआ चढ़ा जाऊँगा। मैं आपके स्थल जहाँ जाएंगे वहाँ जा पाऊँगा। तो ठीक है, फिर हंस ने बोला तो ठीक है ऐसा करते हैं, पर हाँ बात याद रखना, कभी बोलना नहीं, जो अगर तू बोले तो नीचे गिरकर मर जाओगे, बोलना नहीं है तुम्हें, कुछ भी बोलना नहीं है। इसलिए वो कुछ भी बोलना नहीं है पर अगर बोले तो नीचे गिरकर मर जाओगे। इसलिए ठीक है, कछुए ने बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे। फिर वो हंस ने अपनी अपनी जो लकड़ी की दोनों तरफ से सिरा पकड़ ली, चोंच में बिड़ा दी और फिर जो कछुआ था वो बीच में लटक गया और फिर वो उड़ने लगे। फिर गांव के लोग सब उड़ता उड़ता हुआ गांव के पास पहुंचा हंस, और हंस जब गांव के पास पहुंचा उड़ता उड़ता हुआ तब तो जब लोगों ने देखा ऊपर तो लोगों ने देखा तो ये क्या बात है कि दो हंस एक कछुए को ले जा रहा है। तो हंस देखने लगे, उसकी तारीफ प्रशंसा करने लगे। तब तो कछुए को बोलने की बीमारी थी तो वो उसके रहा नहीं पाया, वो बोला तो नीचे जमीन पर पटक गया तो वो मर गया। कहा था ना बहुत ज़्यादा बोलने से हमारा मान पान सब घटता है, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, बोलो इतना कि जो जितना हमें मांगा गया है, इतना बहुत ज़्यादा बोलने से हमारा मान पान रहता नहीं है, कम बोलो और अच्छा बोलो। इसी तरह इस कहानी का हमें सीख मिलती है। तीसरी कहानी है चतुर कौवे की। चतुर कौवा एक प्यासा कौवा था। प्यासा कौवा बुद्धिमान कौवा कहते हो, प्यासा भी कौवा कहना चाहिए और चतुर कौवा भी कहना चाहिए। तो चतुर कौवा है जो एक कई दिनों से प्यासा था। उठता उठता हुआ वो एक उसको बहुत प्यास लगी थी और पानी की खोज में रहता था। और पानी की जब खोज में रहता था तब उड़ता उड़ता हुआ एक आश्रम एक झोपड़ा है उसने देखा। झोपड़े में देखा तो उसमें बाहर एक कुंजा था, कुंजे में पानी था। और जब वो कुंजे के पास पहुंचा तो पानी के अंदर चोंच डाली तो उसके चोंच अंदर पहुंच नहीं रही थी। इसलिए उसने उस पानी तो थोड़ा ही था, ज़्यादा था नहीं, इसलिए उसने आसपास देखा तो उसने बहुत सारे कंकड़ देखे। बहुत सारे कंकड़ देखो, एक एक कंकड़ डालकर उसने पानी को ऊपर आगे बढ़ा दिया। घड़े में एक एक कंकड़ डाले और उस पानी को बहुत ऊंचा कर दिया। और बहुत ऊंचा जब कर दिया उसने तब वो उसने अपनी प्यास बुझाई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो भी काम करें बुद्धिमान से करें। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसका कोई समस्या का हल ना मिले, इसलिए हम बुद्धिपूर्वक उसका उपयोग करके हमें अपना काम करना चाहिए। उस चतुर कौवे ने क्या किया, आज आसपास जो कंकड़ पड़े थे वो घड़े में डाल दिए और घड़े में जब डाल दिए तब उसमें पानी ऊपर आने लगा। इसी तरह उसने अपनी प्यास बुझाने लगी और बुझा कर वो उड़ गया। फिर अंतिम कहानी है कौवा और लोमड़ी की जो कहानी है उसमें देखिए एक बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में कौवा और लोमड़ी रहते थे। और जब
वो कौवा जो था, वो कौवा वो उसको एक रोटी का टुकड़ा मिला, रोटी का टुकड़ा मिला, रोटी का टुकड़ा मिलने पर वो उठता हुआ डाल पर बैठ गया। तब वहाँ एक उसने वहाँ लोमड़ी यानी कि शियार, लोमड़ी का अर्थ होता है क्या, शियार, लोमड़ी, लोमड़ी तो शियार, लोमड़ी का अर्थ होता है शियार। वहाँ लोमड़ी आई, लोमड़ी ने उस कौवे को देखा और लोमड़ी ये कौवे को तो देखा, साथ ही उस रोटी के टुकड़े को भी देखा, तो उसे मुंह में पानी आ गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस कौवे के पास से रोटी छीन लूँ और मैं उसे खा जाऊँ। तब वो कौवे के पास गया और कहने लगा, कैसे हो कौवे भाई, अच्छे हो ना, ठीक है ना। तब कौवे ने कहा कि कौवे कुछ बोले नहीं, पर कौवा फिर वो लोमड़ी ने कौवे को कहा, कौवा भैया आप बहुत अच्छी तरह से गाना गाते हो, आप गाओ ना, बहुत अच्छी तरह गाते हो, मैं गाना आपका सुनना चाहता हूँ, गाओ ना, गाना सुनना चाहता हूँ। तब कौवा समझ गया था ये मेरी रोटी छीनना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। तभी कौवे ने युक्ति सूझी के युक्ति या की कि कौवे ने अपनी रोटी जो चोंच में दी थी वो अपने पैर में, पैर के पंजे में दबा दी, फिर वो गाने लगा। फिर कौवा, फिर लोमड़ी तो निराश हो गई, लोमड़ी निराश हो गई तो अब मुझे रोटी मिलेगी नहीं, इसलिए उसकी समझदारी जो थी वो उसने दिखाई कौवे ने। कौवा पहले बुद्धिमूर्ख था पर अब बुद्धिमान हो गया था। तो कौवे के किसी भी कार्य में हमें गुमराह नहीं होना चाहिए, किसी भी जो कार्य होता है उसे हमें गुमराह होना नहीं चाहिए, हमें जो भी काम करें अच्छी तरह से करना चाहिए। वह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रहेगी, आश्चर्यचकित रहेगी कौवे ने जो रोटी खाई थी, उस रोटी खाई थी उसे उसे पेड़ के नीचे दबा दी और दबा कर वो अपना गाना गाने लगा। और वह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई और आश्चर्यचकित रह गई, इसीलिए उसने वहाँ से निराश होकर चली गई। इसीलिए हमें कोई भी कार्य गुमराह मन ही मन, फिर कौवे ने फिर रोटी खा ली और सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होनी चाहिए, अपनी झूठी जो प्रशंसा सुनकर हमें गुमराह होना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है यही कि हमें कोई भी प्रशंसा झूठी करे तो उससे हमें गुमराह होना चाहिए नहीं, उसकी बातों में आना चाहिए नहीं। तो पहली दयालु शिकारी की क्या बात थी कि दयालु शिकारी ने क्या किया था हिरनी के साथ, हिरनी जो थी हिरनी को गोली लगी थी और गोली लगकर वो बस दयालु शिकारी को, दयालु शिकार को दया आ गई, शिकारी को दया आ गई कि उसे बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए वो वहाँ रह गया, इसलिए वो अस्पताल ले गया, मल्लभ पट्टी लगाकर वो अपने फिर जंगल में छोड़ दिया। दूसरी कहानी की क्या है, सीख मिलती है हमें ज़्यादा बोलना चाहिए नहीं, ज़्यादा बोलने से हमारा मान पान रहता नहीं है और हम कुछ कर सकते नहीं है। तीसरी कहानी है चतुर्कोमा की, चतुर्कोमा अपनी सूझबूझ से हर एक कार्य अपनी सूझबूझ से करना चाहिए, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल ना हो, इसलिए हमें बुद्धिपूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। चौथी कहानी क्या है, लोमड़ी और कौवे की कहानी में उसमें वही सूझबूझ की बात की गई है, किसी की झूठी प्रशंसा सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए और हमें उसकी बातों में आ जाना नहीं चाहिए। तो आप विद्यार्थी मित्रों, आपने भी ये सब कुछ देख लिया पर आपको ये कहानी आपको वीडियो के द्वारा देखनी है ना, वीडियो के द्वारा, तो ये सभी कहानी चारों कहानियाँ दया शिकारी, बातोनी कछुआ, चतुर्कौवा और कौवा और लोमड़ी, ये चारों कहानी वीडियो के द्वारा देखनी है ना, तो हम वीडियो के द्वारा ये कहानी देखेंगे और वीडियो के द्वारा आप उस कहानी को सुनना और देखना बहुत अच्छी तरह से, आपको ये पूरी पूरी कहानी ये आपको आ जाएगी समझ में। और अंत में तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको होमवर्क में सिर्फ इतना ही लिखना, स्वाध्याय स्वाध्याय पोथी में से बातों की कछुआ की जो कहानी है वो एक ही बार लिखनी है। तो आज का जो टॉपिक है वहाँ आज पूर्ण करते हैं। जंगल था, एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं
और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को सुनिए। क्रमशः 6 वाक्यों। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा की गई है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा सुनिए। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, जाति, पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। एक, राम और लक्ष्मण भाई थे। दो, हिमालय ऊंचा पर्वत है। तीन, गुलाब का फूल अच्छा है। चार, रमेश हर रोज स्कूल जाता है। पांच, सब गांधीनगर जा रहे हैं। छह, आज बिल्ली दूध पी गई।